मैं पहले कुछ भी कर रही थी, कोई भी काम कर रही थी, कोई भी काम मिलता था कर लेती थी। प्यार की बहुत कमी, अगर कोई आपको कर रहा है ना तो उसका इज्जत करो, उसकी मसद बताओ। That's so true. सारी लड़कियां उस पे मरती थी, वो मेरे पे मर गया। और उसने बोला मेरे लिए तो ट्रू लव, ऑफ कोर्स फेम मनी तो आपको मिल गया, आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। धोखा मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने किसी को दिया बट सबने मुझे दिया है, जो जो गया मेरे मुझे छोड़ के गया। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आई हैव टू पीपल विद मी टुडे हु आर सुपर एंटरटेनिंग, वेरी टैलेंटेड एंड मोर देन एवरीथिंग दे आर प्योर सोल्स। जॉइनिंग मी इन अ कॉन्वर्जेशन इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड शहनाज गिल, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। मुझे पूछना था, तो मैं कुछ दिन पहले मैं आपका शो देख रही थी देसी वाइब, जहाँ पे नवाज सर आए थे, एंड आई जेन्यूनली फेल्ट दैट इट वॉज नॉट एन इंटरव्यू, इट वॉज लाइक दो दोस्त बात कर रहे और मैं वो कॉन्वर्जेशन सुन रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू आस्क, वॉज द फिल्मिंग ऑफ दिस सॉन्ग एंड आइस ब्रेकर, क्योंकि वो इंटरव्यू में इतना कम्फर्ट था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जब शो में थोड़े लोग अपने जैसे मिलते हैं तो शो अच्छा बन जाता है। हाँ, कि मतलब मुझे ये थोड़े मेरे जैसे लगते हैं, तो मैं इनके साथ थोड़ा रिलेट कर सकती हूँ, थोड़े देसी है। मतलब जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कनेक्ट विद द समवन, और फिर वो इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। सो मुझे वो वाइब लगी वो इंटरव्यू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंफर्ट जोन था। हाँ, कि कहाँ से कहाँ चला गया, फिर आपने वो एक्टिविटी भी खेली। सो आई वाज लाइक लिसन, दिस इज द मोस्ट यूनिक वाइब जो इंटरव्यू में था, वो कैसे कंफर्ट अनफोल्ड हुआ पता ही नहीं, ये नहीं पता, बट कंफर्ट जोन वहाँ बन गया, पता नहीं वो नेचुरली हुआ जो हुआ, हमने सोचा ही नहीं था। और कुछ और था इंटरव्यू, कुछ बात मुझे कुछ और करनी थी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, बट बात कुछ और हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी एक वो कहने की एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना, जब जो सामने वाले इंसान में क्या आप झांक सकते हैं उसके अंदर, यू नो, तो फिर आपके लिए रास्ता जो है ना बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। वो एक उसमें कोई भी वो नहीं थी, कोई ऐसा जैसे इंटरव्यू होता है कि आपको थोड़ी लिमिटेशन में रहना पड़ता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं। आई वाज सो इन्वॉल्व, यू नो, एट द टाइम, यू नो, ऐसा लग रहा था कि मैं घर में बैठकर अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, यू नो। और ये सुर भी अक्सर कभी कभी लगता है, यू नो, वो हर बार नहीं लगता, यू नो। राइट, नवाज सर, ऑलवेज आप बोलते हो कि यू नो, जब भी आप कुछ रोमांटिक प्ले कर रहे हो, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड इवन यू सेड आप बहुत रिलेट करते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है एक दूसरे के बारे में जिससे आप इतना रिलेट करते हो और यू नो यू ऑल हैव बिकम सच टाइट फ्रेंड्स? यही तो बात है कि हमें एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है वो बात। वो आई टू आई बहुत कुछ मिल जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे फ़ोन पे देखने की, इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ आईज टू आई बात कर सकती हूँ कैसे भी, तो वो बातें निकल आती है फिर। और नवाज सर, आपके लिए व्हाट इज द मोस्ट रिलेटेबल थिंग अबाउट शहनाज फॉर यू? एक्चुअली शहनाज का क्या है कि आई डोंट नो, मैं ऐसे हजारों लोग मिलते हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ एक के साथ आप जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं, यू नो, उनकी जैसे शहनाज ने बताया आईज टू आई जब देखते हैं तो एक कुछ ऐसा होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी हैं हम लोगों के अंदर, हम लोग बाहर से आए और फिर आके यहाँ पे आए यहाँ से, तो एक्टिंग में भी वही है कि जिस कैरेक्टर से आप कनेक्ट कर लेते हैं वो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे शहनाज से मुझे कोई भी एक भी जेस्चर या पोस्चर या ऐसा कोई लगता नहीं कि जिससे मुझे लगे कि इनसे डिसकनेक्ट वाला नहीं लगता। है ना, तो डेफिनेटली देखो क्या होता है ना, हर आदमी ना सच बोलना चाहता है इस दुनिया में, लेकिन ये डिपेंड करता है सामने वाले के अंदर कि वो डाइजेस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। राइट, तो शहनाज को देख के लगता है कि इसके सामने मैं सब कुछ सच बोल सकता हूँ, तो इसलिए वो वर्क किया। आई थिंक वो प्योरिटी एक्सचेंज होती है। हाँ, हमें पता है कि कुछ भी बोलेंगे एक दूसरे को गुस्सा नहीं आएगा, समझेंगे, कुछ भी बोल दो, तो वो चीज़ थी। क्योंकि कईयों के साथ हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है ये बंदा गुस्सा तो नहीं कर जाएगा इस बात का, तो वो चीज़ नहीं थी। शहनाज, आपके लिए प्री बिग बॉस व्हेन यू यूज्ड टू डू म्यूज़िक वीडियोस एंड आफ्टर बिग बॉस आपने बिगेस्ट म्यूज़िक नेम्स के साथ कोलैबोरेट किया है, बीट बादशाह, गुरु रंधावा, क्या आप अपने आप को आप मानते हो कि आप में बदलाव आया है फ्रॉम दैट शहनाज टू दिस शहनाज? यस, मैं पहले कुछ भी कर रही थी, कोई भी काम कर रही थी, कोई भी काम मिलता था कर लेती थी,
अब मैंने सोचा है कि मुझे वही काम करना है जिसमें मेरा दिल करता है कि हाँ ये करना है, अभी मेरा दिल आए जिस पे वो काम करना है। अब क्योंकि पहले क्या था, पहले था चलो कर लो यार, कर लो पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, बट अब मेरी सोच क्या हो गई है, पैसा मैटर नहीं करता, कनेक्ट करनी चाहिए कोई चीज़, अगर उसमें तुझे लगता है कि चीज़ अच्छी है तो ही करनी है, नहीं तो मतलब नहीं है, वेट करो बैठ जाओ घर पे। हाँ। तो ये सिस्टम है, पर पैसे तो आ जाएंगे व्हेन यू डू स्टार्ट गुड वर्क। हाँ बट सोच पैसों को लेकर है नहीं ना, अब सोच ये होगी है कि काम अच्छा मिलना चाहिए बस। राइट, और बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ अबाउट लव एंड प्यार एंड धोखा, क्या आपको कभी लाइफ में, स्कूल में, स्कूल टाइम्स पे कभी धोखा मिला है प्यार में? बिकॉज प्यार इज़ अबाउट सैक्रिफाइजिंग एंड लविंग, और आपने भी कहा था कि आप प्यार नहीं कह सकते अगर आप हद पार ना कर लेते हो। हदें पार कर दी हूँ टाइप। हाँ तो बहुत, मैंने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी की हैं। एक बार एक लड़की ने मुझे बोला, मैं उसको क्योंकि बहुत चाहता था, उसने बोला कि कैसेट ला दोगे मेरे लिए, कैसेट का टाइम था तब। हाँ। कैसेट ला दोगे मेरे लिए, मुझे ये वाली। हाँ। पॉपुलर कोई चल रहा था सॉन्ग, मैं हाँ ला दूंगा, लेकिन मुझे 10 मिनट में चाहिए। मैं उसके घर के आगे खड़ा हुआ था, उसने बोला 10 मिनट का मुझे टाइम दिया, और जबकि मुझे जहाँ कैसेट मिलती है जिस बाजार में, वो वहाँ से हाफ एन आवर का रास्ता है। हाँ। है ना, तो प्रॉमिस 10 मिनट में ला दोगे, उसने बोला। मैंने ठीक है 10 मिनट में ला दूंगा। तो मैं उसकी गली से थोड़ा पैदल नॉर्मली निकला, और जैसे टर्न किया मैं भागा। और बहुत तेज भागा, ये सोच के उसको 10 मिनट के अंदर ला के देना है। हाँ। और मैं भागा भागा भागा, कम से कम 20, कम से कम कोई इतनी तेज भागा, मैं पता, मैं खुद भी पता नहीं मुझे मैं कितनी उस वक्त में कितनी तेज भागा हूँ। हाँ। और मैंने कैसेट ली वो, और फिर भाग के आया, और वो खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बोला था 5 मिनट में ला के दूंगा। हाँ। 10 मिनट में ला के दूंगा, वो खड़ी हुई थी, और जैसे टर्न किया वापस उस सामने आया तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, अंदर से सांसें उखड़ रही थी मेरी। yeah. और मैंने उसको कैसेट दी। yeah. कहने, उसने बोला कि तो 11 मिनट हो गए, तूने 10 मिनट बोला था। तो वो इम्प्रेस हुई कि नहीं? नहीं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे काम किए मैंने जो ताकि इम्प्रेस हो जाए सामने वाली। मेरा बताती हूँ एक किस्सा। कौन सा? मैं स्कूल जब पढ़ती थी ना, हॉस्टल में रही हूँ ना मैं, तो मैं नई नई गई थी, एक ही लड़का था पूरे स्कूल में जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। अच्छा। बाकी सबकी गर्लफ्रेंड्स थी। हाँ। तो वो लड़का बनाता ही नहीं था गर्लफ्रेंड, है ना, बट सारी लड़कियां उस पे मरती थी, वो मेरे पे मर गया। ओ। और उसने बोला, मैं थोड़ी लेट आई थी क्लास में ना, मुझे नहीं पता था क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो उसने सबको बना कर दिया था, इसको नोटबुक मैं दूंगा सारी। बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ। इसको सारी नोटबुक्स मेरी जाएगी, किसी और की नहीं जाएगी, मैं दूंगा होमवर्क करने के लिए, और मैं करूंगा इसका होमवर्क। हाँ। तो वो धीरे 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 फिर मुझे सबने बोला, अरे ही इज ड्राइंग फॉर यू, ओ माय गॉड, वो तो किसी को देखता भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा यार, तो वो सच था ये बात। तो आपको रियलाइज नहीं हुआ जब आपको होमवर्क करता नहीं, था? नहीं, पहले पहले पता ही नहीं चलता था ना, अब पता चलने लगा क्या होता। तो उसने मेरा होमवर्क, वो सबसे इंटेलिजेंट, अगर मुझे उसकी टीचर्स में भी चलती थी अगर। हाँ। मतलब मुझे खड़ी किया, मुझे मारने लगा, स्टिक बजने लगी, तो उसने सर, उसने पीछे से इशारा कर देना। हाँ, सर ने मुझे अवॉइड कर। और आपने कुछ ऐसा किया था कभी किसी के लिए? क्या पागलपन व्हाटएवर? हाँ किया है, लेकिन मैंने अब के टाइम में किया है। हाँ। मैंने तब के टाइम में जैसे लड़कों ने मेरे पीछे किया। अरे वाह। और कभी प्यार में धोखा मिला है? वन इंसिडेंट धोखा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने किसी को नहीं दिया, बट सबने मुझे दिया है, जो जो गया मेरे मुझे छोड़ के गया लड़के। ओह गॉड। क्योंकि वो जब इंसान का पता चल जाता है कि दो जगह या तीन जगह, तो फिर इंसान पीछे हट ही जाता है। तो वो चीज हुई है, नहीं तो मैंने किसी को आज तक कभी नहीं। ना सर आपके साथ कभी भी? मैं तो भंडार हूँ। तो आपने शहनाज़ को कहा था कि धोखा देना है तो मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ, जिसको धोखा देना, जिसको भी देना है। हाँ। मैं वैसा ही हूँ, धोखा दे रहा, मन कर रहा है धोखा देने का, आओ। आप स्ट्रांग हो गए अभी? मैं स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग। स्ट्रांग, मैं भी स्ट्रांग हूँ, धोखा देके चले जाओ, बट पहले आने तो दो किसी को, या तभी तो धोखा देगा। मेरा लेकिन ये है अब, अच्छा आओ और जाओ, दफा हो जाओ। बाड़ में जाओ। पर अगर कोई बहुत प्यार करने वाला आया तो? ले वो जाने देंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे? प्यार करने वाले को कौन जाने देता है? That's true. कम मिलता है अभी, कम मिलता है प्यार। और बाकी तो इस दुनिया में पता है प्यार देने, प्यार की बहुत कमी है। अगर कोई आपको कर रहा है ना, तो उसका
इज्जत करो उसकी, मैं सच बता रहा हूं। That's so true. बहुत कम लोग होते हैं जो प्यार करते हैं किसी को, वरना सब एक्सपेक्ट ही करते हैं कि कोई हमें आके प्यार करे, लेकिन प्यार करने वाले बहुत कम। तो मिला तो पकड़ के रखो, वही बात है। ओके, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे बिफोर वी गो। एक दूसरे की सबसे प्यारी और अनोइंग चीज। मुझे प्यारी चीज ये लगती है, मैं इनको कुछ भी बोल दूंगी और ये हंस देंगे। इनको कुछ भी बोलूंगी ये गुस्सा भी नहीं मनाएंगे। मतलब मैं इनको ये बोल देंगे तो बैठ जाओ, तो ये बैठ सकते हैं मेरे लिए कितनी कितनी देर। ऐसा मैंने नोट किया है। और आपके लिए? इनकी ऑनेस्टी है, बहुत ऑनेस्ट है, बेबाक है बहुत, ये चीज बहुत पसंद है मुझे। जब हार्ट ब्रेक होता है तब फेवरेट गाना कौन सा होता है जो आप सुनते हो? बी प्राक का ही है मेरा तो। कौन सा है? पंजाबी सॉन्ग है, मेरे वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया। कि मेरी मेरी जब टर्न आई, हाँ, मुझे लगता है भगवान तू सो रहा था शायद। काइंड ऑफ, ओह माय गॉड, इंटेंस। नवाज सर आपके लिए? बैकग्राउंड स्कोर्स हैं जो मैं सुनता हूँ उस वक्त, मैं बहुत ज्यादा नहीं अभी होता, मैं हो चुका मेरा, आई एम डन, यू नो। हां हां, बट अरिजीत सॉन्ग एनीवन? आई लव अरिजीत। अरिजीत का तो मैं आजकल वो तेरे प्यार में, तेरे, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है गाना। ओके, उनका ही है ना ये? हाँ हाँ। और प्यार होता 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 कई बार, वो भी गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे आजकल। ओके, दिलजीत दोसांझ की एक चीज जो आपको पसंद है? प्रोफेशनल है वो। सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? ऑफ कोर्स मैं। आप बोल रहे थे? हाँ वही, मैं तो उन्हीं की बात। ओके, इफ यू हैड टू कास्ट, आप दोनों की कास्ट कोई फिल्म में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो कौन सी फिल्म होगी जहाँ पे आपको रोमांटिक होनी चाहिए मुझे लगता है? बट कौन सी फिल्म, ऐसी कोई भी फिल्म जो आपको लगता है आप दोनों इसमें कास्ट हो सकते हो एज अ पेयर? हाँ, तो रोमांटिक होनी चाहिए। ओके, रोमांटिक होनी चाहिए, ड्रामा होना चाहिए। ड्रामा मतलब ऐसे मैं इनको मार रही हूँ जोर जोर से ऐसे। अरे यार, ऐसे काइंड गन से मार, गन से, गन से, हाथ से। ना सर, आपके लिए ऐसा कौन सी फिल्म होगी, अगर आप कोई फिल्म का नाम ले सकते हो जहाँ आपको आपको लगता है कि आप दोनों की कास्टिंग एकदम अच्छे से बैठेगी? मैं, मेरा मन करता है, एक फिल्म थी रॉबर्ट डी नीरो को, फॉलिंग इन लव। ओह, मैरिज स्ट्रीप और डी नीरो की, वैसे से कुछ हो। और मुझे लगता है अगर इनके साथ मैं कोई भी सीन करूँगी ना, तो सीन बहुत अच्छा बन जाएगा। इनको बहुत नॉलेज है, तो मुझे इन पर भरोसा है कि अगर मैं इनके साथ मूवी करूँगी तो सीन बोरिंग नहीं होगे, अच्छे इंटरेस्टिंग ही होगे। ये बात तो। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए ट्रू लव, मनी एंड फेम में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, मेरे लिए तो ट्रू लव, ऑफ कोर्स। फेम, मनी तो आपको मिल गया, आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। वो तो फिर मेरे लिए भी ऐसे, अगर मेहनत करने नहीं, ऐसे नहीं उसने डाला, मतलब अगर आपको एक ही, तीनों नहीं है आपके पास, एक मिलेगी और एक मिलेगी, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? देखो यार, फेम अगर हो जाए तो सब बाकी चीजें तो मिल ही जाती है ना। अगर ट्रू लव है वो कुछ दिन का होता है, सो ट्रू, फिर तो बॉन्डिंग होती है, उसके बाद तो बॉन्डिंग काम करती है ना। प्यार, प्यार की सबसे अच्छी बात ये है कि प्यार का जो दूसरा पड़ाव है वो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, है ना। वो कभी सेम नहीं रहता। इवन द सेम फॉर यू? फेम, फेम, फेम से क्या होगा ना, सब लोग इज्जत करेंगे, है ना, पास पास रहेंगे, तो उनमें से एक आधा ट्रू लव ढूंढ ही लेंगे। या ओके, एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड इंग्लिश में विच यू फील डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस वुड बी? यार सारे इंग्लिश वर्ड मुझे अटक जाती हूँ मैं। सच्ची, मैं तो हिंदी में अटक जाती हूँ। पंजाबी नहीं, मेरे को अगर डायलॉग दे दोगे तो मैं वो अच्छे से कर लूँगी, लेकिन ऐसे नेचुरली बोलना हो ना तो सॉरी, मैं अपनी भाषा में ही बात कर सकती हूँ जैसे मैं करती हूँ। नवाज सर आपके लिए? मेरे कुछ वर्ड हैं जैसे मैं होता ना, बहुत ही यूज, बहुत ही लोकल से वर्ड हैं, लेकिन मुझे डिफिकल्टीज हो जाती है उसमें कभी, क्योंकि जैसे लोनावला। मैं बोल रहा हूं जैसे लोनावला। हां, मैं बचपन में उसको रोनावला बोलती थी, रोनावला। अगर गलत करोगे तो रोने का जाएगा वही। एक होता है फोटोग्राफी, 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 फोटोग्राफी। हाँ, तो इस तरह के जो वर्ड है ना, बट वो सबकी ही प्रॉब्लम है, अभी इंग्लिश चेंज हुई है मुझे लगता है। हमें तो यही पढ़ाया गया है इंग्लिश में, हमें अब पता चल रहा है। अच्छा, पहले से ही चेंज हमें टीचर, हमारी गलती नहीं, वो टीचर्स की गलती, उन्होंने हमें इतना ही सिखाया। और वही ब्रिटिश, अमेरिकन, सब अलग अलग है, सो समटाइम्स इट्स जस्ट अपना, आपको जो सही लगता है वही बोल दो। क्या है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी कोई बोलते हैं, प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे मुझे अब्सॉर्ब ऑब्जर्व इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओ डब्ल्यू एन वाला ओन ओन ओ एन दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन करते लगता है। ये बड़ा फनी लैंग्वेज। One thing you love, hate and tolerate about Salman Khan, because आप दोनों ने you love, hate and tolerate। यार उनका जो donation का जो वो है वो उसकी वजह से मैं उनको बहुत like करता हूँ, बहुत donate करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी को पता नहीं है practice में। वो चीजें मुझे बहुत पसंद हैं उनकी। Right। और hate इसलिए कि वो मतलब शादी क्यों नहीं करते। और tolerate? उनके लिए सारी चीजें यार। Tolerate। जो भी वो करें वो सब। Shehnaaz for you. क्या पहला पहला love, hate and tolerate. I love him because of his attitude. Style है एक ना swag. बड़ा सही लगता है style. सलमान का swag. चलने का style तो अलग ही, tiger नहीं जैसे चलता वो style है. I hate him because I love him. And tolerate. टॉलरेट तो कोई मुझे कर ले वही बहुत है, मैं उनको क्या टॉलरेट करूँ, मौका ही नहीं देते कि टॉलरेट करूँ उनको। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनको टॉलरेट करें। ओके सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी चीज़ जो आपको, आपका रिएक्शन जब आपको पता चला कि आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट हो रहे हो ये सॉन्ग के लिए। शहनाज का जैसे इस आई थिंक मेरे सामने पहले बोला गया था इसको शहनाज के लिए, मैंने कर लो यार कर लो जल्दी से कर लो शहनाज को, ऐसा ये रिएक्शन था। ओके एक्साइटेड। हां एक्साइटेड था क्योंकि मुझे पहले मालूम हो गया था कि शहनाज वो लोग शहनाज को कास्ट करने जा रहे हैं। शहनाज आपके लिए? मुझे इनके साथ सच्ची बोलूँ, मैंने बहुत एक्टरों के साथ काम करना है, बट मुझे ये भी था कि और मुझे नवाज सर के साथ काम करना है। उसका रीज़न ये है कि बहुत तारीफ़ें सुन ली है, बहुत तारीफ़ें सुन ली है, काम कब करेंगे इनके साथ। तो वो चलो अभी मूवी में तो इंशाल्लाह भगवान करे कि मैं इनके साथ मूवी करूँ, म्यूज़िक वीडियो तो छोटी चीज़ है, मुझे इनके साथ थिएटर में दिखना है। बट उससे पहले ये जो हुआ भगवान ने जो किया, जल्दी से मेरे पास ना पेशेंस बहुत आ गए हैं, तो मैं सोचती हूँ कब करूँगी काम, कब करूँगी इनके साथ, तो भगवान कहता है रुकना। मेरा ना मेरा जो मैं सोचती हूँ ना आई स्वेयर वो सब पूरा हो रहा है लाइफ में। मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ अपने बारे में, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती हूँ, बट जो जो मैं सोचती हूँ ना वो पूरा होता है। जैसे इनको कहीं देख ले टीवी में, यार मुझे करना है इनके साथ, मैं चाहिए थी यहाँ पे, इसकी जगह मैं चाहिए, तो वो चीज़ मेरी पूरी होती है। मैं आपके विशेज़ आपको बोलूँगी, अपने विशेज़ आपको बोलूँगी। ओ वो नहीं पूरी होगी, ओ सिर्फ आपकी खुद की होगी, खुद की होती है। वाह प्रॉब्लम ये, मेरा खुद का होगा तो पूरा हो जाएगा, अगर किसी का होगा तो नहीं पूरा होगा। बट ये ऐसी चीज नहीं कोई बहुत बड़ी, जैसे सच में दिल से जो चाहती हूँ तो वो हो जाता है वो चीज। लास्टली आपकी ब्यूटी की बहुत तारीफ होती है और आपकी आंखों की बहुत तारीफ होती है, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हैव जो आपको मिला है आज तक इतने सालों के करियर में आपकी आंखों के बारे में और आपकी स्किन ने? और मेरे बारे में मुझे जब लोग कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी है तेरे फेस में एक इनोसेंस है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। You like your innocence? I love it. Innocence होनी सब सब में innocence होना बहुत ज़रूरी है। Right. मेरे लिए अच्छी चीज़ है वो। नवाज सर। मैं एक बार Black Friday एक फिल्म थी उसमें काम कर रहा था मैं, तो एक लड़की ने जो असिस्टेंट थी जो उसमें उस फिल्म में उसने अनुराग को बताया, जब वो मॉनिटर मुझे देख रही थी तो इसकी आँखें कितनी अच्छी है, अनुराग को बोला, मुझे तो आइडिया नहीं था। तो किसकी? बोले नवाज की। दी तो मॉनिटर में देखा उसने, क्योंकि लड़की ने बोला तो उसको पहली बार अनुराग को पहली बार रियलाइज हो वाकई इसकी तो आंखें बहुत अच्छी है। तो उसके बाद जो अनुराग ने मुझे अपनी फिल्मों में रोल देने शुरू किए, फिर मैं ब्लैक फ्राइडे के बाद मैंने फिर देव डी की उसमें गाना गाया और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव, फिर ये वो इस तरह की। और मोस्टली मैंने देखा है कि उसने जो कैमरा मेरी सिर्फ आंखों के ऊपर रखा ज़्यादातर। लंबी लंबी स्पीचेस भी चल रही तो मेरा सिर्फ इतना था उसमें फेस। तो दो तीन इंटरव्यूज में अनुराग ने बोला भी है कि अगर नवाज को देखना है तो वो पूरे नहीं सिर्फ यहाँ देखो, उसका कैरेक्टर यहाँ होता है। तो आई थिंक अनुराग से बड़ा कॉम्प्लीमेंट या और मुझे किसी ने नहीं दिया होगा मेरी आइज को। True.
ऑसम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. हमें भी बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. और हम आपको फिर मिलेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सॉन्ग. थैंक यू. हाय गाइस, दिस इज शहनाज गिल एंड यू आर वॉचिंग इंस्टेंट बॉलीवुड. थैंक यू.